बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ रिफा जहां एंड आज हम FSC पार्ट वन के चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन का, जो आपकी बुक में लास्ट मेन टॉपिक था बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड का, थर्ड सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस लेक्चर वीडियो में, जो कि है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इस लेक्चर वीडियो से पहले मैंने जो अपने चैनल पे लेक्चर वीडियोस अपलोड की, वो इस टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था उस पे थी। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि फूड की प्रोडक्शन कैसे होती है, फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकें, फूड को कैसे जो है प्रोड्यूस कर सकें, उनके डिफरेंट हमने वेज टेक्निक्स ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फिर हमने इसके सेकंड सब टॉपिक में देखा था कि हम डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाहे मेथड हो प्रिवेंटिव मेजर का, वो चाहे वैक्सीनेशन का मेथड हो, वो चाहे ड्रग ट्रीटमेंट हो, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा था। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है, हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये इस चैप्टर का आपका लास्ट जो है वो वीडियो लेक्चर भी है। सो हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप टॉपिक से फेमिलियर हो जाएं, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन आपको पता है बचाओ, एंड कंजर्वेशन भी हफाजत और बचाव में आ जाता है। हमने इसमें देखना है इस टॉपिक में कि हम अपने माहौल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे हम उसको कंजर्व कर सकें। चलिए जी, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ इस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट डिवेलप हो और आपको पता हो कि हमने किन किन टर्म से या क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ का क्या नुकसान है, उनके जो वेस्ट हैं वो किन किन फॉर्म में हैं और उनका क्या क्या इफ़ेक्ट है। फिर हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके पाकिस्तान में जो पोल्यूशन हैं उस वो पाकिस्तान में क्या पोल्यूशन लेवल है, पाकिस्तान में पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सके हैं। तो ना सिर्फ हम इसमें पोल्यूशन डिस्कस करेंगे, बल्कि हम उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उनसे हम बच सकते हैं और कैसे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट हैज़ एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट। देखिए, कह रहे हैं कि आपको पता है कि हर चीज़ का फ़ायदा होता है तो ड्रॉबैक भी तो होता है ना। इंडस्ट्रीज जैसे जैसे इंडस्ट्रीज लगाई, उसका फ़ायदा ये था कि रोज़गार मिला, बहुत सारे लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो राइज हुए, बल इसका ड्रॉबैक या नुकसान ये था कि इंडस्ट्रीज़ का जितना भी वेस्ट था, इंडस्ट्रीज वेस्ट को कहते हैं एफ्लुएंट्स, जितने भी एफ्लुएंट्स थे उन्होंने हमारे इन्वायरमेंट को बुरी तरह से तबाह कर दिया। क्यों तबाह किया, इतने क्या खतरनाक हम कह सकते हैं, उनमें से हैवी मेटल्स जो हैं वो एलिमिनेट होते हैं, उन वो क्या टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, किस हद तक वो पोल्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सेकंड पॉइंट है कि टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स इन सॉलिड लिक्विड और गैस फॉर्म आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट फॉर द इंडस्ट्री फ्रॉम और बाय द इंडस्ट्रीज। देखिए, कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के थ्रू जितने भी एफ्लुएंट्स, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, या चाहे वो गैस फॉर्म में हो, हमारे एनवायरनमेंट में जब इंजेक्ट करते हैं या किए जाते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह से पोल्यूट कर रहे हैं। अब मैं आपको, जैसा कि आपने यहाँ तीन किस्म के एफ्लुएंट्स पढ़े, अब आपको पता है अगर तो इंडस्ट्रियल वेस्ट या एफ्लुएंट सॉलिड फॉर्म में होगा वो आपके लैंड पोल्यूशन की वजह बनेगा, उसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है लैंड पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे हेल्थ पे। अगर हम लिक्विड की बात करें तो जितने भी एफ्लुएंट्स अगर हम अपने वाटर बॉडीज़ में इंजेक्ट करते हैं तो आपको पता है हमारी जो वाटर बॉडीज़ है वो इफेक्ट होगी। अगर हम हमारे जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर में रहने वाले, जैसे कि फिशेज हो गया, उनकी लाइफ बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होती है। फिर अगर गैस की फॉर्म में बात करें तो आपको पता है जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर गैस फॉर्म में इंजेक्ट किए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो ना सिर्फ हमारे स्किन इन्फेक्शन के कॉज हो सकती है, बल्कि आप कह सकते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक या लंग्स को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं। ये तो कुछ उनका हमने जो है वो हार्म देख लिया। अब हम देखेंगे कि उनका क्या एक और हम इफेक्ट देखेंगे कि ना सिर्फ वो हमारे बॉडी में, मैंने आपको बताया, लंग्स को इफेक्ट करता है, बल्कि कैंसर कॉज करने की भी एबिलिटी रखता है। इतने खतरनाक जो एफ्लुएंट्स में जो है हैवी मेटल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जो है उसकी भी वजह बन सकते हैं। दीज एफ्लुएंट्स फ्रीक्वेंटली कंटेन साइजेबल अमाउंट ऑफ सर्टेन टॉक्सिक इवन कार्सिनोजेनिक मटीरियल। कह रहे हैं कार्सिनोजेनिक मटीरियल ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, और वो कह रहे हैं कि इन एफ्लुएंट्स में ये भी एबिलिटी है कि उनमें ये कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स या मेटल्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी में कैंसर कॉज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन की वजह क्या क्या बन सकती है, कौन कौन से मेटल्स हैं, वो हम कुछ मेटल्स डिस्कस करेंगे, उनका हम सोर्सेज भी पढ़ेंगे कि वो मेटल्स कहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं। जैसा कि वो कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जी हैवी मेटल्स लाइक लेड
फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, आपको पता है कि पेट्रोल या ऑटोमोबाइल्स, या आपको स्पेसिफिक बताऊं तो आपको पता है जितने भी साइलेंसर्स वगैरह जो गाड़ियों के हैं, वहां से जो धुआं निकलता है उसमें लेड होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में जाता है और एयर पोल्यूशन की वजह बनता है। सेकेंड वो कह रहे हैं कि क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज, टैनरीज कहते हैं जी चमड़ा साजी, जितनी भी इंडस्ट्रीज में चमड़ा बनता है ना, चमड़ा को साफ करने के लिए जो मटेरियल होता है उसमें जो क्रोमियम भी पाया जाता है, और ये क्रोमियम जब हमारे एयर पोल्यूशन में जाता है या एयर में जाता है तो वो हमारे एयर पोल्यूशन की वजह बनता है। आर प्लेइंग हैविक टू हमारे ह्यूमन हेल्थ, कह रहे हैं कि हमारी ह्यूमन हेल्थ में हैवोक जो है वो बहुत है, वो कहते हैं तबाहकुन हद तक हमारी ह्यूमन हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने देखा कि कौन से, हमने दो हैवी मेटल डिस्कस किए, लेड और क्रोमियम, और फिर उसका हमने इफेक्ट देखा कि ह्यूमन हेल्थ पे बहुत बुरी तरह से इफेक्ट है, इसीलिए वो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट के साथ साथ हमारे एयर पोल्यूशन की भी वजह बनती हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये वजूहात हैं जी, इंडस्ट्रीज जो हैं वो रीज़न बनती हैं एनवायरनमेंट के पल्यूट होने में। फिर हमने कुछ वेस्ट डिस्कस किए, उनका हमने अपनी बॉडी पे इफेक्ट देख लिया। अब हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या, कैसे या किन वे से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं और हम इनसे बच सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, बायोलॉजिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इंट्रोड्यूस्ड सेवरल वेज ऑफ बायो रेमिडिग्रेशन, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटीरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए अब सोल्यूशन ये है कि वो कह रहे हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, तो बायोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो उनको ट्रीट कर सकें, उनको उनको साफ कर सकें। हमें चाहिए कि इंडस्ट्रियल जितने भी वेस्ट हैं उनको हमारे वाटर बॉडीज में या हमारे लैंड में या हमारे एयर में फेंकने से पहले हमें उनको ट्रीट कर लेना चाहिए, और उनमें से जितने भी हैवी मेटल्स हैं या फिर आप कह सकते हैं पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स हैं, हमें उनको रिमूव कर लें ताकि हमारे इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। वो कह रहे हैं बहुत सारे वेज हैं इसके अलावा कैसे वो ट्रीट कर सकें। वो कहते हैं कि एक मेथड आपकी बुक में लिखा हुआ है, बायो रेमिडिएशन। जो बायो रेमिडिएशन मेथड है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट में से जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से साफ करवा सकते हैं। ये बायोलॉजिस्ट ने एक यहाँ ट्रीटमेंट का मेथड दे दिया, जो कि सोल्यूशन वाली हेडिंग पे मैंने यहाँ ऐड किया कि हम बायो रेमिडिएशन ऐसा मेथड जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके हमारे इन्वायरमेंट से में जितनी भी पोल्यूटेंट्स हैं उससे बच सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसा कि कहा जाता है कि आने वाले दौर में हम जितनी भी फूड है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार करेंगे, और उनको जवाब में हमें क्या देंगे, हम उनको वेस्ट देंगे। ना सिर्फ वो हमारे वेस्ट को डिग्रेड करेंगे बल्कि वो वहाँ से फूड लेके हमारे लिए फूड बनाएंगे। तो ये कितना फ़ायदेमंद होगा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपनी खुराक तैयार करवाएंगे बल्कि हम अपने वेस्ट मटीरियल को भी डिग्रेड करवा सकते हैं। तो ये एक सोल्यूशन है जो बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करके जितने भी इंडस्ट्री वेस्ट है उनसे बच सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एलजी हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। कह रहे हैं कि जो एलजी होता है ना वो एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एबिलिटी रखते हैं कि हमारे जितने भी एनवायरनमेंट के हैवी मेटल्स हैं ना वो वहाँ से उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इसका सोल्यूशन भी डिस्कस कर लिया, जो बायोलॉजिस्ट जो है वो यूज़ करके हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखना है कि पाकिस्तान में पोल्यूशन क्या है और उनका क्या लेवल है वो देखते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान में पोल्यूशन का लेवल देखें तो वो कह रहे हैं कि ये नेशनल प्रॉब्लम है, ना सिर्फ किसी खास सिटी में नहीं, ये पूरे का पूरा नेशनल लेवल पे बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं एक रिस्क लेवल पे पोल्यूशन है हमारे पाकिस्तान में। लिखा हुआ है कि जी द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम, पूरे मुल्क की प्रॉब्लम है, किसी खास एरिया या किसी खास सिटी की प्रॉब्लम नहीं, पूरे का पूरा मुल्क ही हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का शिकार है। और आगे हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो कह रहे हैं कि आवर रिवर्स कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड, बहुत बुरी तरह से पोल्यूटेड है विद सिटी सीवरेज। जितना भी सीवरेज का वाटर है हम अपने वाटर बॉडीज़ में ऐड कर देते हैं, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो भी हम इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो हम अपने वाटर बॉडीज़ में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान ये है कि जितनी भी हमारी वाटर की जो लाइफ है ना, जिसको ये देखें ना, द लाइफ फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान इज टूडे डिक्लाइंड, हम बहुत बुरी तरह से टूवर्ड्स डिक्लाइन जा रहा है, खतरनाक हद तक कमी की शिकार है। कहने का मतलब ये था कि
वाटर पोल्यूशन, अगर हम पाकिस्तान में वाटर पोल्यूशन के लेवल डिस्कस करें तो हमने कहा कि वाटर पोल्यूशन बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान में वाटर पोल्यूशन पाया जाता है। वजूहात क्या थी वो हमने ये वजह देखी कि जितने भी इंडस्ट्रियल और सिटी का जो सीवरेज वाटर है ना वो हम रिवर्स और केनाल्स में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिवर और केनाल का जो वाटर है वो हाईली पोल्यूटेड हो जाता है। ना सिर्फ वो हाईली पोल्यूटेड होता है बल्कि जितनी भी हमारी फ्रेश वाटर की लाइफ है लाइक फिशेज हैं उनको बुरी तरह से हार्म पहुँचाता है, इवन उनकी डेथ की वजह बनता है, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में हमारी जो फ्रेश वाटर लाइफ है ना वो बुरी हद तक कह सकते हैं डिक्लाइन का शिकार है, या डिक्लाइन के बहुत कमी का शिकार है, या कम कह सकते हैं टूवर्ड डिक्लाइन बहुत हद तक जो है वो कम होती जा रही है। फिश प्रोडक्शन हैज़ बीन मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड इन पाकिस्तान, इसीलिए कहा गया कि क्योंकि ये ऊपर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया वाटर पोल्यूशन का, कह रहे हैं कि यही वजह है कि फिश की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में बहुत बुरी हद तक जो है वो कम हो रही है या इफेक्टेड है। वही नीड टू, अब हमें करना क्या चाहिए, अब हम यहाँ से भी अगेन ये सोल्यूशन का पॉइंट आ जाता है कि अब हमें करना क्या चाहिए। हमें चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्टिव मेजर इस्तेमाल करके प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अब एक और सोल्यूशन देंगे, कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि जितना भी हमारी सिटीज़ का एग्जॉस्ट है ना ऑटोमोबाइल्स का, हमें चाहिए कि हम उसको लेड फ्री कर दें, हमें चाहिए कि हम पेट्रोल जो इस्तेमाल करें वो लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करें। इनॉर्मसली कहते हैं बहुत जो है वो ज़्यादा मिकदार में लेड हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो रहा है, हमें चाहिए कि हमें पेट्रोल जो बनाएं वो लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करें, ताकि हमारे इन्वायरमेंट में लेड की क्वान्टिटी कम हो और हम एयर पोल्यूशन जैसी ख़तरनाक सिचुएशन से बच सकें। देर इज़ देन अ नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन, मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरत ये महसूस की जा रही है कि हम जो है वो लेड फ्री पेट्रोल, और ये बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल होता है ताकि उन इन्वायरमेंट में उन के जो इन्वायरमेंट है डेवलप्ड कंट्री का उनका अगर हम एयर पॉपुलेशन रेट देखें तो वो बहुत ही कम है, और यही वजह है कि उन्होंने अपने ये जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनको बहुत ही अच्छी हद तक जो है वो ट्रीट करवा लेते हैं या कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत साफ रहता है या अच्छी हद तक कह सकते हैं अच्छी आप कह सकते हैं हालत में मौजूद है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारा पाकिस्तान का ये एक नेशनल प्रॉब्लम बना हुआ है, हमें चाहिए कि हम कुछ हमने यहाँ आपकी लेक्चर वीडियो में सॉल्यूशंस डिस्कस किए कि हमें चाहिए कि हम ये कर लें ये कर लें ये कर लें, इन वेज से हम पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, इन वेज से पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि ये सारे तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करें ताकि हमारे मुल्क जो है वो पोल्यूशन जैसी ख़तरनाक सिचुएशन से बच सके। चलो यहाँ तक तो हो गया हमारा थर्ड टॉपिक डिस्कस, जिसमें हमने देखा था कि हमने अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे कंजर्व करना है, वो हमने इसकी कॉज भी पढ़ ली कि वजह क्या बन रही है पोल्यूशन की। फिर हमने डिफरेंट एफुलेंट्स डिस्कस किए, उनका हमारे ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट देखा, फिर हमने देखा कि हमारे पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है पोल्यूशन की, और फिर हमने ये डिस्कस किया कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या क्या वेज या क्या क्या सोल्यूशंस हैं जिनसे हम ये इस से छुटकारा पा सकते हैं। वो हमने थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एलजी की एग्जांपल दी, उसके थ्रू भी हमने देखा, फिर हमने देखा कि लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करके हम जो है वो बच सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट हम मैंने आपको कहा था कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो मैं लेक्चर वीडियो में डिस्कस करती जाऊँगी, ताकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी हो जाए। प्रीवियस जितना भी है ना हमने ये लास्ट मेन टॉपिक डिस्कस किया, उन फूड प्रोडक्शन से लेके आज तक का जो थर्ड टॉपिक था प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, यहाँ तक जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे वो मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। आप जो है वो साथ साथ इसको चेक करते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1997 साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड सक्सीडेड इन क्लोनिंग, किसने उन्होंने किस चीज़ की क्लोनिंग की थी हम देख लेते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तब तक मैं अपना पॉइंटर ऑन करती हूँ ताकि मैं आपको जो है वो बता सकूं। जी सबसे पहले जिनको तो ए लग रहा है शिप, यस उनका आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट आप सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। पेस्चराइजेशन इज वाइडली यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ, देख लेते हैं, फूड प्रोडक्ट है, मीट प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, यस जिनको मिल्क प्रोडक्ट्स लग रहे हैं उनको ठीक है, क्योंकि पेस्चराइजेशन का जो प्रोसेस है उनसे हम मिल्क प्रोडक्ट्स की जो है वो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर प्रिजर्व्ड बाय, किस मेथड के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं, हमने ऊपर ही एमसीक्यू देख लिया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पेस्चराइजेशन के मेथड से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने एमसीक्यू देखते हैं। इन सिटीज़
particularly the exhaust from the automobiles is enormously adding into the environment. जी क्या environment में add होता है, options देख लें, आपको clear हो जाएगा. Automobile related जो आपको पता है effluent है वो lead है, तो lead is the right option. Next हम अपना fifth देखते हैं MCQ जो कि है the technology for achieving huge and game day. मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया अच्छे मकासद के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं. यस अगर आप क्लोनिंग देखें तो आपको आंसर जो है वो ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्लोनिंग जो है वो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सी टेक्निक है ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमें चाहिए कि हम क्लोनिंग का जो मेथड है वो यूज यानी कि अच्छे इस्तेमाल के लिए ही यूज़ करें. सिक्स्थ एमसीक्यू देखें, इन ह्यूमन जीन थेरेपी द नॉर्मल जीन आर इंसर्टेड इनटू द होस्ट. कैसे हम होस्ट में इंजेक्ट करते थे नॉर्मल जीन थ्रू बोन मैरो. यस जिनको बोन मैरो सेल्स लग रहे हैं उनका ऑप्शन जो है वो राइट है. नेक्स्ट हम अपना सेवन्थ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो कि है द फर्स्ट एवर क्लोन वॉज प्रिपेयर्ड इन 1997 इन, कहाँ था ये हमने ऊपर भी एमसीक्यूज में डिस्कस किया, जगह क्या थी. जी स्कॉटलैंड में जो है वो फर्स्ट क्लोन डिस्कवर किया गया. लास्ट हम अपना आज का एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, हमने पिछले वीडियो में एफर्ट की एग्जाम्पल देखी, एन एफर्ट दैट अटैक्स वलनट ट्री इज बींग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय, हमने मेथड डिस्कस किया था वैस्प से, किससे हमने कंट्रोल किया था. येस जिनको तो वैस्प लग रहा है वो उनका आंसर जो है वो ठीक है. चलें जी यहाँ तक का जो हमारा चैप्टर नंबर वन है वो कम्प्लीट हुआ आज. मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अब चैप्टर नंबर वन का ए टू जी जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो डिटेल से मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया, उनके रिलेटेड मैंने आपको कोशिश की कि आप तक मैं बेस्ट और इजी नोट्स पे प्रोवाइड कर सकूं. मैंने एक एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए, मैंने अपनी इन वीडियोज़ में आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए ताकि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो जाए, और मैंने जितने इन टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज बन सकते थे मैंने वो बनाए ताकि हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी तैयारी हो जाए, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एफ एस सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि पीपीएससी एजुकेटर्स और इनके अलावा जितनी डिटेल स्टडी आपकी एफएससी के रिलेटेड हो सकती है उनके रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिए. आई होप मैं बहुत अच्छे से कन्वे कर पाई हूँ कि आपको समझ आई होगी, आपके लेवल तक आके मैंने आप लोगों को बहुत ईजी और आसान लफ्ज़ों में समझाया. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.